गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वायरमेंटल इशू का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड नॉइज पॉल्यूशन, सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन. नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? Water pollution is defined as an undesirable change in the physical, chemical and biological nature of water that may affect the human being as well as the other animals. ठीक है? It is an undesirable change in the physical, chemical and biological nature of वाटर. तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ वाटर दैट मे अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग एंड डोमेस्टिक स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड डोमेस्टिक स्पीसीज. ओके, ठीक है. अब इसके बाद एयर पॉल्यूशन की तरह वाटर पॉल्यूशन को भी कंडक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड द वाटर एक्ट 1974. द गवर्नमेंट ठीक है, अब लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वाटर एक्ट 1974 to safeguard our water resources, ताकि हम अपने वाटर रिसोर्सेस को सेफगार्ड यानी प्रोटेक्ट कर सकें. तो सबसे पहले है कि किसी भी वाटर के में जब अनडिजायरेबल अस्वाभाविक बदलाव आता है, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल नेचर में हो, जो इफेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग को और डोमेस्टिक स्पीसीज को, उसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं. नेक्स्ट, इस वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर एक्ट 1974 पास किया था टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड देयर इट्स इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. वाटर पॉल्यूशन सोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सबसे पहले जो वाटर पॉल्यूटेंट्स है
इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे या तीन पार्ट में, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट। फर्स्ट डोमेस्टिक सीवेज, सेकेंड एग्रीकल्चरल रन ऑफ और थर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये जो डोमेस्टिक सीवेज है ये सस्पेंडेड सॉलिड है, कोलॉइडल मटेरियल्स है और डिजॉल्व मटेरियल्स है। इट इज अगेन ऑफ थ्री टाइप बोल सकते हैं। फर्स्ट सस्पेंडेड सॉलिड कोलॉइडल मटेरियल्स, डिजॉल्व्ड मटेरियल्स। अब है एग्रीकल्चर रन ऑफ में क्या होगा, तो एक होगा फर्टिलाइजर रेसिड्यू और एक पेस्टिसाइड्स। तो लिखेंगे फर्टिलाइजर रेसिड्यू और दूसरा होगा पेस्टिसाइड रेसिड्यू। ओके, नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल एंड फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, ये दो तरह का होगा। केमिकल पॉल्यूटेंट्स, ओके, सेकेंड टाइप क्या होगा, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स। जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स है ये दो होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसके एग्जांपल होगा फिनॉल्स, डाइज एक्सेट्रा। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका होगा हेवी मेटल्स लाइक लीड, कैडमियम, मर्करी, कॉपर। और जो फिजिकल पॉल्यूटेंट्स है इसमें दो होगा, पहला थर्मल वेस्ट वाटर और दूसरा होगा ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो ये हो गया एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वाटर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्स। यहां तक समझ आया, ठीक है, इसको बना ली है, ठीक है, बनाओ इसको जल्दी से, फोटो स्नैप ले लो, टाइम बचेगा। अब देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे डोमेस्टिक सीवेज, है ना, डोमेस्टिक सीवेज, दूसरा पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट है डोमेस्टिक सीवेज। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डोमेस्टिक सीवेज। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया टू कॉमन पब्लिक सीवेज सिस्टम। इट includes everything that comes from that
comes from residential area to common public sewage system. It includes everything that comes from residential area to common public sewage system. Next, domestic sewage contains, क्या contain करता है? First, suspended solid क्या क्या होगा? Sand होगा, slit होगा और clay होगा, बालू होगा, कंकड़ होगा और मिट्टी होगा. Example दे देंगे, sand, slit and clay. Suspended solid के बाद colloidal materials. Colloidal materials. इसका example क्या होगा? Facial matter, bacteria, paper and cloth fibers. Okay, third क्या है? Dissolved material. Dissolved material में क्या है? Example है nitrates के बाद ammonia, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स. नेक्स्ट, जो डोमेस्टिक सीवेज है ये मेनली कंटेन करता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट. डोमेस्टिक सीवेज मेनली कंटेन्स बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट विच आर रेडिली डिकम्पोज्ड विथ द हेल्प ऑफ विच आर रेडिली डिकम्पोज्ड विथ द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स. ठीक है, यानी ये जो डोमेस्टिक सीवेज है दे कैन इजिली बी डिकम्पोज्ड. क्यों डिकम्पोज हो सकता है? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है. ठीक है, तो ये मेन तीन पॉइंट है जो डोमेस्टिक सीवेज के बारे में हो रहे. सबसे पहले ये इंक्लूड करता है एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया टू कॉमन पब्लिक सीवेज सिस्टम. सेकेंड, ये तीन टाइप का है, सस्पेंडेड सॉलिड, कोलॉइडल एंड डिजॉल्व मटेरियल. थर्ड, डोमेस्टिक सीवेज में मेनली बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसलिए इजिली डिकम्पोज होता है बाई डिफरेंट माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई. यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं. अब देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड अंडर इंडस्ट्रियल वेस्ट इज बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन.
इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्री लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग रिलीजेस डिफरेंट हार्मफुल हैवी मटेरियल्स, ठीक है। तो लिखेंगे इंडस्ट्रीज लाइक, इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर इंडस्ट्रीज, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा रिलीज वेस्ट वाटर, वेस्ट रिलीज वेस्ट वाटर कंटेनिंग हैवी मेटल्स, कौन से हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, लाइक मर्करी एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। सेकंड है मर्करी एंड डीडीटी आर वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, मर्करी एंड डीडीटी दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन आर वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, आर वेल नोन फॉर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज अ इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन, इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। अब टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या करना है, टॉक्सिक सब्सटेंस कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड, ना उसको हम मेटाबॉलिक सिस्टम में यूज कर सकते हैं, ना हम उसको एक्सक्रीट कर सकते हैं, कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड नॉर एक्सक्रीटेड, क्या लिख देते हैं, और एक्सक्रीटेड, ठीक है। देयरफॉर देयरफॉर दे गेट एक्यूमुलेटेड, ये लगातार जमा होगा, दे गेट एक्यूमुलेटेड, ठीक है, इन एन ऑर्गेनिज्म
एंड पास्ड टू सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल एंड पास्ड टू हायर ट्रॉपिक लेवल या हायर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो डीडीटी है या बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको बैन क्यों किया गया इंडिया में, क्योंकि थ्रू फूड चेन जब ये बर्ड में इंटर किया तो ये बर्ड के बॉडी में कैल्शियम साइकिल को डिस्टर्ब कर दिया, एंड व्हेन इट डिस्टर्ब्स द कैल्शियम साइकिल व्हाट हैपेंस, द आउटर सेल ऑफ द बर्ड्स एग बिकम वेरी थिन एंड व्हेन दे स्ट्रक विद द मीडियम इन विच दे ले एग इट बस्ट एंड दिस वे द बर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीजिंग वेरी रैपिडली। तो इस बर्ड पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए डीडीटी को इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कंप्लीटली बैन किया गया। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ डीडीटी एक्युमुलेशन इन बर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स इज disturbed which results in thinning, पतला होना, thinning of egg cell. This leads to decline in bird population. इन बर्ड पॉपुलेशन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इफेक्ट्स ऑफ डीडीटी एक्युमुलेशन इन बर्ड्स। यहां तक समझ आया? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, जैसे कि यूट्रोफिकेशन, बीओडी और एल्गल ब्लूम। ठीक है, इसको खींच लो। देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला टॉपिक होगा यूट्रोफिकेशन, EUTROPHICATION। बेसिकली यूट्रोफिकेशन क्लास 9 में भी था बायो में, और यूट्रोफिकेशन का डिफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय बायोलॉजिकल इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड as the natural aging of lakes by biological enrichment enrichment by biological enrichment of its water. It is defined as the natural aging of lake by biological enrichment of water. Now we all know that water in a young lake is cold and clear to support life. Water in a young lake is cold and clear to support life. ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, विथ टाइम इट इज इनरिच विथ न्यूट्रिएंट बाय स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इन टू इट। जो पानी अलग अलग सोर्स उसके पास आता है उससे उस पानी में लगातार न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट होता है। With time, it is enriched with
न्यूट्रिएंट स्ट्रीम्स इनटू इट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. इट इज इनरिच्ड विथ न्यूट्रिएंट्स स्ट्रीम्स इनटू इट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. नाउ दिस इनकरेज ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. दिस इनकरेजेस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ. नेक्स्ट ऑर्गेनिक रिमेन्स डिपोजिटेड एट द बॉटम ऑफ द लेक एंड विद टाइम इट कम्स अबव द वाटर. देखो क्या होता है कि जब ये सर्टेन एक्वेटिक लाइफ प्लांट के वाटर बॉडी के सरफेस एरिया में बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे मान लो ये एक वाटर सरफेस एरिया वाटर बॉडी, ठीक है, और ये वाटर बॉडी में नॉर्मली वाटर हाइसेंथ, जिसको हम हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, ग्रो कर रहा है. सडनली जब इसमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट होता है, खास करके नाइट्रोजन और सल्फर का, तो ये जो वाटर हाइसेंथ है ये नॉर्मली ग्रो कर रहा था, बट सडनली इट स्टार्ट टू ग्रो, बट वॉट टाइप ऑफ ग्रोथ, दैट इज इन्वेसिव ग्रोथ. जब इन्वेसिव ग्रोथ करेगा इट ग्रो वेरी रैपिडली एंड टोटली कवर द अपर सर्फेस ऑफ द वाटर. एज अ रिजल्ट क्या होगा, सनलाइट पेनिट्रेट करके डीपर लेयर ऑफ वाटर में जो तुम्हारा फाइटोप्लैंक्टन्स है उस तक नहीं जा पाया. प्लस जब ये जरूरत से ज्यादा इसका पॉल्यूशन हो गया तो वाटर में तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंजर्व किया जिससे एक्वेटिक एनिमल्स को भी ये नहीं मिलने लगा. एज अ रिजल्ट बोथ डाइज ऑफ एंड दिस ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप एंड दिस स्लोली इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड एट पर्टिकुलर टाइम दिस वाटर बॉडी बिकम कन्वर्टेड इनटू मार्सी एरियाज. ये वाटर बॉडी पूरी तरह से मार्सी एरियाज में कन्वर्ट होता है और जिसका ये नतीजा होता है, क्या होता है, फाइनली दिस वाटर बॉडी कन्वर्टेड इनटू अ बैरन लैंड एंड दैट इज व्हाई यूट्रोफिकेशन को हम लोग बोलते हैं. इट लीड्स टू डेथ ऑफ द वाटर बॉडी और एजिंग ऑफ द वाटर बॉडी. बात दोनों में से कोई भी बोलो द वर्ड रिमेन्स द सेम, द मीनिंग रिमेन्स द सेम. ओके, तब यहां लिखेंगे ऑर्गेनिक remains deposit at the bottom of the lake. Organic remains deposit at the bottom of the lake and with time, समय के साथ क्या होगा, and with time makes the water shallow, makes the water warmer भी बोल सकते हैं, पहले इसको गर्म करेगा, ठीक है. Now next क्या होगा, eventually floating plants develop in the lake, eventually floating plants develops in the lakes. Floating plant develops in the lakes. Finally, converted into land. फाइनेंशियली क्या होता है कि जो प्लांट है वो डेवलप करेगा लेक्स में और फाइनली कन्वर्टेड इनटू लैंड. अब इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट
अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक, लेक का साइज क्या बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पैन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक में स्पैन थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। फाइनली क्या होगा, द एक्सेलरेटेड, तेजी से जो एजिंग ऑफ लेक होता है, वाटर बॉडी जो आस्ते आस्ते घट रहा है ड्यू टू क्या, पहला सीवेज और दूसरा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन, ठीक है। एक्सेल मतलब तेजी से, तो लिखेंगे द एक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेटेड एजिंग ऑफ लेक्स ड्यू टू सीवेज एंड एग्रीकल्चरल, ड्यू टू सीवेज एंड एग्रीकल्चरल फैक्टर्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, सॉरी, इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे इसको, इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड और कल्चरल यूट्रोफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया पूरा यूट्रोफिकेशन का, सिंपल है, इसमें बेसिकली एजिंग ऑफ लेक्स होता है। यहां तक समझ आ गया, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, इसको ले लो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी पढ़ चुके हैं। देखो नॉर्मली क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कहा जाता है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब एक पानी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रोब्स को जितना अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्यूरिटी ऑफ द वाटर। मतलब अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, मतलब पानी का प्यूरिटी कम है, और अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, मतलब पानी का प्यूरिटी ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड इज बी बायो केमिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड, सबसे पहले द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ब्रेकडाउन, माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ बायोडिग्रेडेबल
ऑर्गेनिक मैटर, और बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड बी ओ डी, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. नाउ इट इज हायर इन पॉल्यूटेड वाटर एंड लेस इन प्योर वाटर. इट इज हायर इन पॉल्यूटेड वाटर एंड लेस इन ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, इस किस तरह से बनाओ, बायोलॉजिकल ऑफ दिस ऑल ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन ठीक है, इधर हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो. डायरेक्शन ऑफ फ्लो अब सीवेज डिस्चार्ज. सीवेज डिस्चार्ज पहला यहां पे होगा, सबसे पहले फिश किल, फिश किल्ड एंड डिसअपीयरेंस ऑफ प्योर वाटर ऑर्गेनिज्म, डिसअपीयरेंस ऑफ क्लियर वाटर ऑर्गेनिज्म, और यहां पे होगा रीअपीयरेंस ऑफ फिश एंड क्लियर वाटर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, देखो यहां मतलब क्या है ग्राफ का, कि जैसे ही डिजॉल्व ऑक्सीजन ठीक है हाई हो गया, यानी बीओडी हाई हो गया रिक्वायरमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, फिश किल्ड हो गया मर गया और क्लियर वाटर ऑर्गेनिज्म भी मर गया जो कि प्योर वाटर में रहता है. अब जैसे ये बीओडी लो हो गया तुरंत फिश से रीअपीयर हो गया और क्लियर वाटर ऑर्गेनिज्म भी रीअपीयर हो गया. ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं ना कि बीओडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्योरिटी ऑफ द वाटर. अगर बीओडी ज्यादा होगा तो प्योरिटी ऑफ वाटर कम, और अगर प्योरिटी कम होगा तो बीओडी ज्यादा होगा. ठीक है, प्योरिटी ज्यादा होगा, पानी की शुद्धता प्योरिटी ज्यादा होगा तो बीओडी कम, और पानी का प्योरिटी कम होगा तो बीओडी ज्यादा. ठीक है, इसको लिख लो, बना लो जो करना है. अब हम लोग पढ़ेंगे एल्गल ब्लूम, इसका और एक शॉर्ट टॉपिक है. ये भी यूट्रोफिकेशन का ही एक रिजल्ट है. ठीक है, थर्ड एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम सबसे पहले डोमेस्टिक सीवेज कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विच फेवर द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट या ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लैंकटन लाइक एल्गी, एंड दैट इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम. ठीक है,
डोमेस्टिक सीवेज कंटेन न्यूट्रिएंट डोमेस्टिक सीवेज कंटेन न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ठीक है, विच फेवर विच फेवर द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक एल्गी कॉल्ड एंड एल्गल ब्लूम सेकेंड एल्गल ब्लूम कॉजेस फिश मोर्टैलिटी एल्गल ब्लूम कॉजेस फिश मोर्टैलिटी एंड डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी ठीक है. एल्गल ब्लूम क्या कॉज कर रहा है? फिश मोर्टैलिटी एंड डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी. नेक्स्ट एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर हाइसेंथ. इसका साइंटिफिक नेम है इकोर्निया, जिसको जलकुंभी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, क्रेसिपिस. इकोर्निया क्रेसिपिस, ठीक है. द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल grows abundantly in eutrophic water bodies, and imbalances water ecosystem. और ये साथ ही साथ water ecosystem को imbalances water ecosystem. ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब domestic sewage में nutrient खास करके nitrogen और phosphorus जरूरत से ज्यादा हो जाए तो इससे क्या होता है कि जो प्लैंकटन है जैसे कि एल्गी, इट शोज एक्सेसिव ग्रोथ एंड दैट फॉर्म्स एल्गल ब्लूम. ठीक है, अब इससे सेम प्रॉब्लम होता है जैसे कि यूट्रोफिकेशन में होता है. सबसे पहले फिश जो है दे गेट किल्ड, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट, एंड डिटोरिएशन भी होता है. वाटर क्वालिटी का उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल नेचर में डिटोरिएशन
होता है, कमी आती है। ठीक है, अब दो तरह का बेसिकली होता है, एक एल्गल ब्लूम और दूसरा वाटर हाइसेंट एक्सेसिवली बढ़ जाता है। बेसिकली जो वाटर हाइसेंट है इसको वर्ल्ड का मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड्स को भी वीड्स भी कहा गया है, एंड प्लस इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा गया है। बंगाल के जितने भी वाटर बॉडीज हैं दे डाइज ऑफ ड्यू टू वाटर हाइसेंट, जिसको हम लोग हिंदी में जलकुंभी बोलते हैं, इंग्लिश में वाटर हाइसेंट बोलते हैं, एंड द बायोलॉजिकल नेम इज इकोर्निया क्रेसिपिस। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग फॉलो करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज इकोसेन, एंड नेक्स्ट मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सैनिटेशन। इसमें लिखेंगे आंसर, इकोसन टॉयलेट्स हैव Ecosan toilets have been developed in Kerala, India में सिर्फ केरल में है at present, and Sri Lanka for ecological sanitation, ecosystem को साफ सुथरा रखने के लिए। कैसे वो समझ लो, क्योंकि जो इकोसन है ये बेसिकली इकोलॉजिकल टॉयलेट्स है, इसमें जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है वेस्ट है इसको यूज किया जाता है एज अ मैन्योर। ठीक है, प्लस इससे जो डिफरेंट जर्म्स फैलता था, दुर्गम डिजीज फैलता था, उसको रोका जाता है और इससे एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो देखो अब लिखेंगे द एडवांटेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सैनिटेशन आर, फर्स्ट इट इज प्रैक्टिकल हाइजीनिक एंड efficient method of, it is practical hygienic and efficient method of waste disposal. Okay, second क्या है, it is cost effective. और third क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जो भी जस्ट बताए थे कैन बी रिसाइकल्ड इनटू कंपोस्ट, खाद में रिसाइकल्ड इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर भी लिख सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर टू रिप्लेस केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, तो ये हो गया तीन एडवांटेज। पहला ये प्रैक्टिकल हाइजेनिक और एफिशिएंट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, सेकंड ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और थर्ड ह्यूमन एक्सक्रीटा को नेचुरल फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जा सकता है
जो आसानी से केमिकल फर्टिलाइजर का जगह ले सकता है और हमारे नेचर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स मिल सकता है। समझ आया? लिखो इसको जल्दी से, फोटो स्नैप लो। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन है सॉलिड वेस्ट क्या है? व्हाट आर सॉलिड वेस्ट्स? दीज आर डिस्कार्डेड ह्यूमन वेस्ट, ओके। दीज आर डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल्स, डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। नाउ सॉलिड वेस्ट कैन बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिसाइकलेबल, उसको हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी बायो डिग्रेडेबल रीसाइक्लेबल और नॉन बायो डिग्रेडेबल, ठीक है। नेक्स्ट होगा सॉलिड वेस्ट कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सॉलिड वेस्ट जो है ये फॉलोइंग टाइप्स का होगा, क्या क्या? पहला म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपैलिटीज जो ले जाता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा? इंडस्ट्रीज वेस्ट, इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रीज वेस्ट। तीसरा क्या है? हॉस्पिटल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट। चौथा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। यह है ई वेस्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जैसे मोबाइल कंप्यूटर का जो एसेसरीज है, वेस्ट पार्ट है जो खराब हो जाता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में रखते हैं। हॉस्पिटल से जो डिस्पोजेबल सिरिंज, नीडल्स, स्लाइन का बोतल, ठीक है, यूज किया हुआ दवाई का बोतल, कैप्स, ये सब जो हम लोग हैं ये हॉस्पिटल वेस्ट में है। अब सवाल है कि इस सबको डिस्पोज कैसे करें ताकि नेचर को कोई इफेक्ट ना हो। तो नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। ये हो गया टाइप्स, अब होगा मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। सबसे पहले फर्स्ट टाइप इज ओपन बर्निंग, ओपन में इसको जलाते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा मिस इफेक्ट क्या है कि इससे जो तुम्हारा पार्ट जला नहीं, जला बिना जला हुआ रह गया, इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय रैट्स एंड अदर एनिमल्स इनटू डिफरेंट अदर पॉपुलेटेड एरिया एंड दिस मे लीड टू सर्टेन एपिडेमिक ऑफ अ डिजीज, इससे किसी बीमारी का महामारी भी हो सकता है। इसलिए ओपन बर्निंग होता है बट इट इज नॉट हेल्थी
फॉर द इकोसिस्टम एंड फॉर द लिविंग बींग. सेकेंड है सैनिटरी लैंडफिल्स. सैनिटरी लैंडफिल्स, ठीक है, क्लियर है. इसमें क्या है कि वेस्ट जो है ये डंप किया जाता है और वहां पे फिर उसको अर्थेड किया जाता है, लेकिन इससे सीपेज का डर रहता है. दैट में पॉल्यूटेड द ग्राउंड वाटर, दैट में डिटोरिएट द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल नेचर ऑफ द सॉयल. थर्ड रैट पिकर्स, जिसको हम लोग कवाड़ी वाला भी बोलते हैं, जो लोग घर से कचरा उचरा ले जाता है पेपर ऊपर, उसको बोलते हैं रैट पिकर्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है. ये इसको ले जाके क्या करता है, डिफरेंट इंडस्ट्री में पेपर ले आ रहा है, तो डिफरेंट पेपर इंडस्ट्री में दे दिया, पेपर इंडस्ट्री उसको फिर तुम्हारा जलाया. फोर्थ नेचुरल ब्रेकडाउन, नेचुरल ब्रेकडाउन. फिफ्थ रिसाइक्लिंग, ठीक है, और सिक्स्थ हो जाएगा इनसिनरेशन. इनसिनरेशन, इनसिनरेशन क्या होता है, जैसे खास करके जो हॉस्पिटल और ई वेस्ट है, इसको एक चेंबर में जलाया बर्न किया जाता है. उस चेंबर में अबाउट मोर देन 1000 यानी 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रख दिया गया, और ये जो ई वेस्ट है और हॉस्पिटल वेस्ट है, इट इज कम्प्लीटली बर्न इनटू एशेस. पहला फायदा, जब ये जला तो इसका वेस्ट पार्ट बाहर नहीं जा पाया, धुआं से हार्मफुल गैसेस नहीं जा पाया. दूसरा, जब ये एश में कन्वर्ट हुआ, दिस एश कैन बी यूज टू मेक फ्लाई ब्रिक्स. एश का धुआं, तुम्हारा छाई का जो आजकल ब्रिक्स बन रहा है व्हाइट टाइप का, वो भी इससे बनाया जाए. डबल फायदा, पहला वो वेस्ट बाहर वेस्ट नहीं गया, और दूसरा उससे तुम्हारा ब्रिक्स बना विच कैन बी यूज्ड इन इकोनॉमिकल पर्पस. ठीक है, तो ये तरीका हो गया मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, यहां तक समझ आ गया. क्लियर? हाँ, ठीक है, तो आज यहीं तक. ठीक है, टुमारो फिर से हम रात 8 बजे ये क्लास लेंगे. ठीक है, 8 से 8:30, 8 to 8:30. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.